गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है संडे और आज है पितृपक्ष। तो मैं अपनी नानी सास के यहाँ आई हूँ और सुबह हो गया है। सुबह उठ के मैं अब जा रही हूँ नहाने धोने, फिर पितृपक्ष की तैयारी करनी है। तो ये देखिए मेरी नानी सास के घर है, मिलते हैं फ्रेश होके। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं पितृपक्ष विसर्जन की तैयारी के लिए। देखते हैं नानी क्या कर रही हैं। ये देखिए नानी तैयारी करके रखी है। ये देखिए पितृपक्ष विसर्जन के लिए ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पे बड़ी छानेंगे, दिखाती हूँ मैं क्या क्या पीस के रखे हैं। ये देखिए उड़द दाल का है, इसको बनाएंगे अभी। और ये भी है पूजा के लिए। और ये है चटनी, चटनी नहीं ये मसाला है, इसका सब्जी भी बनेगा। और ये है मूंग दाल का पेस्ट, ये चटनी कौन है? नानी से मिलिए। आज नानी के घर में आई हूँ, अभी सबको ही आएंगे मेरे घर वाले। ये देखिए यहाँ पे होम होगा, उसके लिए नानी आग जला के रखी है गोबर के कंडे का। और देखिए नानी के घर में एलोवेरा मस्त लगा है, इधर अरुई का पत्ता लगा है, इसका सब्जी भी बनाते हैं। ये तुलसी मैया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग सही पितृपक्ष विसर्जन करते हैं कि नहीं और कैसे करते हैं। देखिए नानी बना रही है प्रसाद के लिए। क्या बना रही है नानी? बड़ी बना रही हूँ, घी वाला। घी वाला घी डाली है। ये बिना नमक का है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही इसे बनाने चूल्हे में। तेल गर्म हो गया है, इसको डालते हैं। ये देखिए मैं इसको बना रही हूँ, डला है आग में। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ा बन के रेडी होने वाला है। काय कैसे ज्यादा मतलब वो हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा बड़ी को मैं बना ली थी, इसके बाद इसका सब्जी भी नानी बोली बना दो। तो कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और चूल्हा में बना रही हूँ। तो कढ़ाई में मैं सरसों तेल डालूंगी, सरसों तेल में ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्म हो गया है तेल। अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन भुन जाए तो जीरा डालूंगी और हल्का सा मेथी डालूंगी। इसमें प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मिर्ची डाल दूंगी और मिर्ची को मैंने पीसा भी है, तो अभी दो टोबस डाल रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटर, जीरा, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल रही, मिर्ची का, हल्दी, नमक, हाँ
ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और जब तक तेल बाहर ना जाए। अब देखिए ये पूरा भून गया है, तब इसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ और ये अब खौलेगा। खौल गया है, अब इसमें नानी वो डाल रही है पेस्ट का रेहन बना के, और उसी में थोड़ा सा अमचूर, खट्टा डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, उसी को एक में मिला के नानी डाल रही हैं। अब इसको थोड़ा हिला देंगे और इसको और उबलने देंगे, उबाल आ जाएगा। ये देखिए कैसा उबाल आ रहा। अब इस बड़ी को डाल देते हैं, उबाल आ गया है। अब नानी बोल रही है मैं डाल देती हूँ तो वही डाल रही हैं। इसको कुछ टाइम के लिए और पकने देते हैं अच्छे से, ताकि इसके अंदर भी थोड़ा रसा घुस जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए पक गया है, धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स मैं बहुत थक गई थी, थोड़ा आराम कर रही थी, दिन भर काम करते करते थक गई थी, इसलिए सोची थोड़ा आराम कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे सब कोई आ गए हैं, मेरी सास, मेरी दोनों देवरानी, उसका बेटा, तो क्या होगा, नॉर्मल तो है। नानी यहाँ पे अपना साड़ी दिखा रही हैं और सब आराम कर रहे हैं खा पी के। नानी ऐसे हुई, अच्छा जो लगता है अपन बदले सब ऐसी गप मार रहे हैं, तो मैं सोची थोड़ा वीडियो बना लिया जाए इन लोग का, सब गप्पे लड़ा रहे हैं। और इधर मेरे देवर टीवी देख रहे थे, और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, एक और नानी है बगल में, वहीं टाइम पास नहीं हो रहा था तो सोचे थोड़ा घूम लेते हैं। हम लोग यहाँ हर साल आते हैं पितृपक्ष में, अपनी नानी सास के यहाँ। ये देखिए सब रेडी हो गए हैं, नानी चप्पल पहनना भूल गई थी। जा रहे हैं सेकेंड नानी के यहाँ। चलो इधर देखो, तो यहाँ हम लोग दूसरे नानी के यहाँ पहुँचे हैं। ये मेरी नानी सास के भाई का घर है, मतलब मेरी सास के मामा का घर, यहीं हम लोग आए हैं, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। अब घूम के वापस फिर से जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए दुर्गा पूजा की तैयारी चल रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा मनाते हैं दुर्गा पूजा, यहाँ का डेकोरेशन देखिए बहुत ही अच्छा है, एकदम मस्त, चारों साइड लाइट ही लाइट लगी है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, सब्जी बनाना है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, और मेरे देवर चला रहे हैं गाड़ी और मैच भी देख रहे हैं। ये देखिए हम लोग पहुँच गए घर। तो फ्रेंड्स अब मैं घर वापस आ गई हूँ। अब तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।